सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग का मजाक उड़ाने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को सरकार की ओर से जवाब दिया गया है। उत्तर प्रदेश की एक बस की फोटो ट्वीट कर अखिलेश यादव ने ये लिखा था कि ये उत्तर प्रदेश की खटारा सरकार की खटारा बस है। इस बस की तस्वीर का सच बताते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा है कि ये बस मेंटेनेंस के लिए जा रही थी। जिस तस्वीर पर विवाद किया जा रहा है उसकी सच्चाई कुछ और है। आप खुद उस ट्विटर को देखिए, उसमें दबाव लादा हुआ है। क्षतिग्रस्त गाड़ी थी वो साथ में बनने जा रही थी। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने गलती से उसको ट्वीट कर दिया। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कोई और मुद्दा नहीं है तो क्या करेंगे? और कोई मुद्दा नहीं सरकार के खिलाफ में तो ऐसे ही छोटी छोटी मुद्दों पर ट्वीट करते। बीते दिनों अखिलेश यादव ने इस बस की तस्वीर को ट्वीट करते हुए ये लिखा था कि ये खटारा बस उत्तर प्रदेश की खटारा सरकार की है। ये बस रायबरेली डिपो की थी, जिसे देखकर तमाम यूजर्स ने उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग पर सवाल खड़े किए थे। अब इस तस्वीर का सच खुद परिवहन मंत्री ने बताया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बसों का सच क्या है ये जनता भी जानती है। आए दिन बसों की ऐसी खटारा हालत कई बार देखने को मिलती है। हर बस मेंटेनेंस के लिए नहीं जाती, ये बात भी सच है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।